अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल। और आई होप कि सबको सब बहुत इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को। और जो है आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, दैट इज़ माय मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी जो प्रेगनेंसी जर्नी है उसको कम्प्लीटली कवर कर सकूँ, लेकिन जो मोस्टली स्पेशल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ थे वो मैंने शेयर करने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड एन्जॉय द वीडियो। सो गाइज़, ये जर्नी जो है 5th November से स्टार्ट हुई थी, और जो है तब हमें रिवील हुआ था कि जो है आई एम एक्सपेक्टिंग माई फर्स्ट किड। और जो है फिर ये यहाँ से जब स्टार्ट हुई, तो तब तो हमें स्टार्ट में तो बहुत मज़ा आया, खुशी हुई, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता हमें इसके सिम्टम्स पता चलने लगे, वॉमिट्स, नोज़िया और जो है मॉर्निंग सिकनेस और बहुत कुछ, तो जो है फिर ये प्रेगनेंसी जो है थोड़ी बहुत परेशानी में तब्दील होती चली गई, क्योंकि ऑफिस वर्क मैनेज करना और ऑफिस के अंदर रिवील भी ना करना, इनफैक्ट मैंने स्टार्ट में किसी को भी नहीं बताया था। 6 months तक किसी को नहीं पता था कि आई एम एक्सपेक्टिंग, और जो है वो हाइड रखने के भी बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन यह है कि मज़ा आया। सो गाइज, जो बेस्ट पार्ट था सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो था फूड क्रेविंग्स, और फूड क्रेविंग्स मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, क्योंकि मैं फूड लवर, बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, फूड लवर हूँ, सो आई एन्जॉयड अलॉट, और सुबह ने मेरा बड़ा ख्याल रखा। फूड क्रेविंग्स के बाद जो स्टार्ट हुआ वो सीवियर नोज़िया स्टार्ट हो गया मुझे, और इतना ज़्यादा वॉमिट्स होने लगी, इतनी ज़्यादा कि जो खाती थी वो निकल जाता था, और जो है कि मुझे थ्रॉट ब्लीडिंग होने लग गई, यानी पूरा थ्रॉट इन्फेक्शन हो गया। तो उसके लिए मुझे 3 दिन के लिए जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और जो है 3 दिन तक जो है जस्ट ड्रिप्स के ऊपर और ग्लूकोज चढ़ता रहा, और कुछ खाना पीना मुझे अलाउड नहीं था, तो ये जो था ये थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था। इसके साथ साथ जो है फिर जो चीज़ें चल रही थी, लाइनअप थी, वो थी मेरे भाई की, हमने डेट फिक्स की, इंगेजमेंट की और बात पक्की हुई और रिश्ता पक्का हुआ, और वो सारा हमने एंजॉय किया, शॉपिंग की, और फिर जो इंगेजमेंट सेरेमनी है वो हमने अटेंड की, और उसमें जो है सारा कुछ, काफ़ी सारा वेट तो पुट ऑन हो ही चुका था, और जो है सबको फेस करना वो बहुत टफ टास्क था, कि आप रेडी होते हो, आपके कपड़े आपको फिट नहीं आ रहे होते, और बहुत बहुत एम्बैरेसमेंट सी फील हो रही होती है, आप कंफर्टेबल नहीं होते, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, और फिर जो है बॉडी शेमिंग होती है, वो थोड़ा सा एक अजीब सी सिचुएशन थी, लेकिन ओवरऑल आई एंजॉयड। और फिर ये सारी स्ट्रगल के बाद जो है सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, जो कि बहुत मेरा इन्जॉयबल पीरियड था। मैंने शॉपिंग भी करी, ग्रोसरी भी खुद से की, और ऑफिस भी जाती रही, किसी को मतलब उसमें मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी, और एक जो एनर्जी लेवल था वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ हुआ था। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर मैं कहूँगी कि सबसे बेस्ट था, फर्स्ट और थर्ड जो है वो बहुत बहुत हेक्टिक है। ऑलराइट, देन उसके बाद जो एक फेस शुरू हुआ वो था बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स, और अल्ट्रासाउंड रेगुलर बेसिस पे होने लगे, ब्लड टेस्ट रेगुलर बेसिस पे होने लगे, और सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती थी वो अल्ट्रासाउंड जब मैं करवाने जाती थी तो जो बेबी मूवमेंट्स होते थे वो देखना, और फिर वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे होते थे कि देखिए ये आपकी बॉडी, मतलब बेबी की पूरी बॉडी है, ये मूवमेंट है, इस वक्त बेबी जो है वो सजदे की फॉर्म में है, बेबी इस तरह से मूव कर रहा है, ये इधर है। सो ये जो चीज़ थी ना, ये बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय की, और ये जो अल्ट्रासाउंड हम मॉनिटर पे देख रहे होते थे, तो दैट वाज सो अमेजिंग, और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा किया। इसके बाद जो एक पूरा फेस चला वो ये था कि पाँव बहुत ज़्यादा, थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरे स्वेल रहने लग गए, ऑब्वियसली वेट गेन हो रहा था, और इतना सारा वेट पुट ऑन मैंने कर लिया था 6 to 8 kg, और जो है पाँव जब मेरे स्वेल होते तो ऑब्वियसली फीट में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा, और सुबह ने इसमें मेरे को बहुत हेल्प आउट किया कि वो जो है रेगुलर बेसिस पे मेरी पाँव की ऑयलिंग करता था, और ये मैंने छुप के वीडियो शूट किया था, वो एज इट इज़ अपने नॉर्मली बातों में लगे। और इस तरीके से जो है ना सुभान ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मॉरली भी, जो है बाकी जो जितने भी काम वाम हैं उनके अंदर, फिर ऑफिस के जो भी होता था उसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट और सपोर्ट किया। सो विदाउट यू इट वॉज़ नॉट पॉसिबल,
थैंक यू सुमन. If you don't leave me on. If you want me, tell me. I need to know. If you love me, don't let me go. I'm just a simple man. I'm